हेलो गाइस, तो मेरा नाम है चिको और आपका हार्दिक स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है वीडियो क्वालिटी को लेकर। काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं और अपलोड करने के बाद हमें उसकी क्वालिटी कम नज़र आती है, और तो और इस वजह से हमें वीडियो पर डिजर्विंग रीच भी नहीं मिलती। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम चार पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप पूरी प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर पाएं। एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले बात आती है रिकॉर्डिंग की। आपको सबसे पहले चीजें जो कि ध्यान रखनी है वो शूटिंग सेटअप की। इसमें सबसे मेन चीज जो कि मैटर करती है वो है लाइट्स। जी हां दोस्तों, आपको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम अच्छी लाइट मेंटेन करनी है, जिससे कि आपका शेडो वीडियो पे ना दिखे। इससे फायदा ये होगा कि आप अच्छे से विजिबल हो पाएंगे, साथ ही में वीडियो को अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट वन में हमने बात की लाइट्स के बारे में, लेकिन अब एक और चीज जो कि हमें ध्यान रखनी है वो है कैमरा सेटिंग्स। आपको ध्यान देना है कि आपका रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन क्या है। जैसे कि मेरे फोन में रेजोल्यूशन 1080p 30fps है, तो अगर आप रील या फिर शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यही रेजोल्यूशन कैमरा सेटिंग्स पे रखना है। और अगर आप YouTube वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करने का ट्राई करें। इससे आपकी वीडियो क्वालिटी में काफी हद तक फर्क नजर आएगा। पॉइंट नंबर थ्री, तीसरे पॉइंट में आपको चेक करना है एक्सपोर्टिंग रेजोल्यूशन। वीडियो एक्सपोर्ट करते टाइम मैक्सिमम क्रिएटर्स जो मिस्टेक करते हैं वो है एक्सपोर्टिंग को लेकर। काफी क्रिएटर्स वीडियो को 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट करते हैं विद 60fps, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे आप जब रील या शॉर्ट अपलोड करते हैं तब आपकी वीडियो इंस्टाग्राम कंप्रेस कर देता है। इन केस आप रील या शॉर्ट शूट कर रहे हैं तो आपको एक्सपोर्टिंग रेजोल्यूशन 1080p रखना है विद 30fps, जो कि आपने कैमरा सेटिंग्स में सेट किया था। और YouTube वीडियोस के लिए आप फुल रेजोल्यूशन रख सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, लास्ट पॉइंट है अपलोडिंग को लेकर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो अपलोड करते टाइम यहाँ एडवांस पर क्लिक करना है और यहाँ जाके आपको अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी पर क्लिक करना है। इससे आपकी वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड हो जाएगी। और बोनस टिप जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी वो ये है कि आपको अपने वीडियो में कम से कम फिल्टर्स लगाने हैं, और खासकर इंस्टाग्राम के फिल्टर्स तो लगाने ही नहीं है। साथ ही में अगर आप कैपकट या फिर कोई और ऐप यूज करते हैं तो आप वीडियो की शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये सभी पॉइंट्स फॉलो करते हैं देन आई एम श्योर आपकी वीडियो क्वालिटी जरूर इनहेंस होगी, फिर चाहे आप किसी भी फोन से शूट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही में कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखें ताकि मैं और भी टॉपिक भी वीडियोज ला पाऊँ। और ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।